हेलो एवरीवन, दिस इज चंद्रकांत पटले। आज का ये वीडियो स्कूल, कॉलेज, कोचिंग या आपका कोई अदर बिजनेस है तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मेरे लिए एक बहुत प्यारा सा एक कमेंट आया था। एक स्कूल ऑनर है, उन्होंने मेरे लिए लिखा कि जहां इस कोविड काल में बहुत से बड़े बड़े स्कूल लॉस में चल रहे हैं, उनकी पूरी टीम हिम्मत हार गई, बट आप ऐसे हैं जो नए नए मार्केटिंग आइडियाज निकाल रहे हैं, नए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया लेके आ रहे हैं। उसके लिए मुझे बहुत बहुत धन्यवाद किया उन्होंने। तो मैं भी इस वीडियो के माध्यम से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी पूरी टीम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ऐसा सपोर्ट करने के लिए और मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए। अब हम समझते हैं कि हम वो वजह क्या देंगे कि वो हमारा पैम्पलेट किसी के भी हाथ में जाए तो अपने पास रखे। आपका प्री स्कूल है, हाई स्कूल है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या कॉलेज है, या अदर बिजनेस है, पैम्पलेट कैसा डिजाइन करना है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसको डिटेल में समझा था। अब हम समझेंगे कि जो बैक साइड है पैम्पलेट का, उसपे क्या कंटेंट होना चाहिए, उसमें कंटेंट क्या डालेंगे, उसको हम समझते हैं। देखिए, आपने पहला पैम्पलेट डिजाइन किया, उसके पीछे आपको ऐसे कुछ वैल्यू देना है। वैल्यू देंगे ना तो कोई भी पैम्पलेट को रखेगा। अब वैल्यू कैसे देना है, जैसे आपका प्री स्कूल है या छोटे बच्चों का स्कूल है, तो उसमें छोटे बच्चों के रिकॉर्डिंग, जैसे एबीसीडी हुई या फिर और भी कोई जो एनिमल्स के नेम है, ऐसे कोई चार्ट बना के आप पीछे उसको डिजाइन करवाएं, जिससे ये पैम्पलेट किसी के पास भी जाएगा तो पेरेंट्स उस पैम्पलेट को रख लेगा और अपने बच्चों को या फिर छोटे बच्चों पे के पास वो देगा, अपने पास घर तक लेके जाएगा। वैसे ही स्कूल वाले क्या करेंगे, स्कूल का मतलब है कि हाई स्कूल या आपका 9th 10th है, तो उस पे आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मूले हैं उसको आप पीछे डिजाइन करवा दीजिए। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले आप तैयार करें और बैक साइड रखें, जिससे वो बच्चों के पास पैम्पलेट लॉन्ग टाइम रहेगा। इससे क्या रहेगा, आपका जो ब्रांड वैल्यू है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू, जो वो पैम्पलेट को देखेंगे तो पेरेंट्स या फिर बच्चे, उनके माइंड में आपका जो ब्रांड नेम है वो सेट हो जाएगा। और जब भी आप कोई नेक्स्ट सर्विस उनके पास लेकर जाएंगे या वो आपके स्कूल के नेक्स्ट पैम्पलेट या कोई भी चीज देखेंगे तो आपसे जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे और आपके और उनके बीच एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। और बॉन्डिंग बनने से क्या होगा, रिजल्ट हमें बहुत अच्छे मिलेंगे। तो ऐसे ही कॉलेज वाले भी कर सकते हैं। आप कॉलेज वाले क्या कंटेंट डालेंगे ये आगे समझेंगे, आप कॉन्टेंट भी कर लीजिएगा हमसे। और अगर आपका कोई बिजनेस है तो उस पर क्या कंटेंट डालेगा उसको हम समझेंगे कि क्या क्या कंटेंट डालना चाहिए उस पर, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये था मेरा इस वीडियो का जो एंड रह गया था, इसको आप कंप्लीट करिए, इसको इसी तरह से डिजाइन करें और देखेंगे आप तो इसके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और हर जगह मार्केट में आपके पैम्पलेट गिरे हुए नहीं नजर आएंगे। आपके पैम्पलेट में कोई समोसा खाते हुए नजर नहीं आएगा, आपके पैम्पलेट वो वैल्यू देगा और उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। और इस वीडियो को एंड करने से पहले एक आपसे एक छोटी सी कंप्लेंट है। कंप्लेंट ऐसी है कि ये वीडियो अगर आप ऑनर, स्कूल ऑनर के पास नहीं जा रहा है या किसी स्टाफ में किसी के पास जा रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को अपने स्कूल ऑनर को सेंड करिए या उन्हें शेयर करें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ताकि वो हमसे कनेक्ट हो सके और कोई डिसीजन ले सके, या आप उनके पास ये वीडियो लेकर जाएं और दिखाएं। कई बार ऐसी कंप्लेंट आ रही है अलग अलग स्कूल्स ऑनर से कि उनका स्टाफ ही, हम लोग पहुंचाते हैं स्टाफ को और उनका स्टाफ ही इस वीडियो को प्रमोट नहीं करते या उन्हें दिखाते नहीं। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।